के बाद अब छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से भी एक कपल का वीडियो वायरल हुआ है। बाइक पर रोमांस का वीडियो वायरल होने के बाद उस कपल को गिरफ्तार किया गया। दुर्ग एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया कि लापरवाही से बाइक चलाते और अश्लीलता करते एक कपल का वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस ने इसका संज्ञान लिया और मामला दर्ज किया। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी ने बताया कि आदेश दिया गया है कि कोई भी दोपहिया वाहन चालक बिना हेलमेट और फोर व्हीलर चालक बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाते मिला तो उस पर कार्रवाई होगी। जिम से निकले थे और आपसी सहमति से ये लोग पहले भी ऐसा किया करते थे और तो उनकी नहीं पकड़ाते थे, तो इन्होंने कारण ये बताया कि महिला अपने एक्स बॉयफ्रेंड को जलाने के लिए, लेकिन वीडियो से स्वतः क्लियर है कि ये लोग मौज मस्ती और दूसरों की जान को खतरे में डाल के अपने मौज मस्ती के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रहे थे। सर, समाज को दूषित करने का भी प्रयास है इसमें? निश्चित रूप से समाज को दूषित करने का। बच्चों का स्कूल छूटता है 2-3 बजे, उस टाइम बच्चों के मानसिक डेवलपमेंट पे इसका फर्क पड़ सकता है। जो लोग इवनिंग वॉक करते हैं, दौड़ करते हैं, वो भी इस तरह के लोगों के कारण दौड़ नहीं पाते, घूम नहीं पाते, तो कहीं ना कहीं इनके कारण समाज को भी नुकसान होता है। जो भी कानून को तोड़ेगा उसके खिलाफ कानून की कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, यूपी के तर्ज में था क्या जिस प्रकार से वीडियो वायरल हो रहा था? उसी वीडियो वायरल हो रहा था, हमने संज्ञान दिया और आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई। सर, ड्रिंक लेके चलने वाले के खिलाफ कार्रवाई? सबके ऊपर कार्रवाई लगातार दुर्ग पुलिस कर रही है। जो भी ट्रैफिक नियमों को तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, ये कपल खुलेआम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखे। एसपी ने बताया कि ये मामला आईपीसी के सेक्शन 279 का बनता है। ये कपल जिस बाइक पर सवार थे उसमें रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं थी और जांच के दौरान पता चला कि बाइक 1 साल पहले एक गांव से चोरी हुई थी जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए है, लेकिन युवक ने बिना कागजात के बाइक को 9,000 रुपए खरीद लिया। बाइक भी जब्त कर ली गई है। वहीं लोगों का कहना है कि इस बेशर्मी भरे अंदाज में सड़क पर ऐसी हरकत करते हुए चलना कपल के लिए तो खतरनाक है ही, साथ ही ये ट्रैफिक रूल्स का खुलेआम उल्लंघन भी है। इसके साथ ही सामाजिक रूप से भी ये घटना अशोभनीय है। कपल को रोड पर ऐसी हरकत करते देखकर बच्चों पर भी असर पड़ेगा।